वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मकर राशि वालों हर क्षेत्र में प्रगति का आधार ग्रहों की स्थिति होती है। उनका शुभ प्रभाव प्राप्त किए बिना उन्नति असंभव है, क्योंकि उनके ही प्रभाव से हमारे मस्तिष्क से कल्याणकारी योजनाओं का जन्म होता है, विचार का जन्म होता है, विवेक का जन्म होता है। और यही ग्रहों की स्थिति अप्रैल में बहुत कुछ बदलने वाली है। क्या पूरे महीने के दौरान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है? 1 से 30 तारीख में आपके अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। क्या कहते हैं आपके सितारे, इनके बारे में विस्तृत से जानकारी देने वाला हो, और वह भी ग्रहों की स्थिति के आधार पर, क्योंकि धन संपत्ति एवं भौतिक सुखों के कारक शुक्र स्वयं आपकी कुंडली में कर्म भाव की स्वामी होकर आपके स्वयं की कुंडली में जिस भाव में 6 अप्रैल से प्रवेश करेंगे। उच्च पद के कारक गुरु पराक्रम भाव में है, तो नौकरी के कारक सूर्य 15 अप्रैल से आपके सुख भाव में प्रवेश करेंगे, जहां बुध उपस्थित रहेंगे, जिसके कारण बड़ा चेंज होगा। इसीलिए पूरा वीडियो न केवल देखना है लेकिन ध्यान से समझना भी है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। दोस्तों, वैसे तो कोरोना को लेकर, वायु दुर्घटना को लेकर भविष्यवाणी की है, लेकिन हाल ही में 14 मार्च को सूर्य परिवर्तन के समय भविष्यवाणी करते हुए मैंने कहा था, दिल्ली में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के साथ भारत के पूर्वांचल गुजरात कच्छ में हलचल मानसिक तनाव को उत्पन्न करेगी। और आप देख भी सकते हैं, 21 मार्च को रात 10:19 पर दिल्ली से लेकर गाजियाबाद यूपी तक भूकंप के झटके महसूस हुए थे, और यह स्थिति मेरी भविष्यवाणी को 100% सही साबित कर रही है। यकीन नहीं है तो ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर जानते हैं मकर राशि फल अप्रैल 2023। मकर राशि फल 2023 के अनुसार अप्रैल का महीना आर्थिक दृष्टि से आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। पारिवारिक जीवन को लेकर खुशियां प्राप्त होगी। नौकरी व्यवसाय कार्य के रूप में आपको ढेर सारा लाभ देकर जाएगी, क्योंकि अप्रैल महीने में बन रहे राजयोग के कारण आप व्यावसायिक गतिविधियों में सफल रहेंगे। आपके द्वारा बनाई गई हर योजना सफल होगी। 6 अप्रैल के बाद व्यापार करने के नए नए रास्ते प्राप्त होंगे और उससे धन लाभ होगा। तृतीय भाव में गुरु की उपस्थिति के चलते आप में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफलता की सीढ़ी चढ़ने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी, और यही स्थिति आपकी आकांक्षाओं को पूर्ण करेगी। दोस्तों, जब भी सूर्य और बुध एक साथ सुख भाव में उपस्थित होते हैं और राहु के साथ होते हैं, तो वह स्थायी संपत्ति से जुड़ा हुआ लाभ देते हैं। मकान का नवीनीकरण, निर्माण कार्य करना आदि संभावनाओं को जन्म देते हैं, तो वह खनिज व्यवसाय, वाहन, यातायात, किसान, श्रम से जुड़े कार्य करने वालों को भी ढेर सारा धन देता है। और मेरे अनुभव से मैं जरूर कह सकता हूँ, जो वस्त्र व्यवसाय, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक व्यवसाय, मेडिसिन और शिक्षा से संबंध रखते हैं, उनकी रातों रात किस्मत पूर्ण रूप से बदल सकती है। दोस्तों, इसका आपको एहसास भी होगा कि पेशेवर जीवन में अब आपके प्रयास रंग ला रहे हैं। मंगल भी अब शत्रु से होने वाली परेशानियों से बचाएंगे। ऑफिस में सहकर्मी अधिकारी आपको सम्मान की नजरों से देखेंगे। आपको अपनी कड़ी मेहनत के लिए पहचान मिलेगी और आपको अधिक जिम्मेदारी लेने के अवसर भी प्राप्त होंगे। दोस्तों, मैं यह बात उनके लिए बता रहा हूँ जो नौकरी पेशा वर्ग से संबंध रखते हैं, क्योंकि अप्रैल में आपके पदोन्नति के अवसर कायम बने हुए हैं। अच्छी जगह पर यदि स्थानांतरण के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वह भी संभव होगा। खासतौर पर सरकारी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उन्हें भी अचानक से एवं गुप्त तरीके से धन लाभ मिल सकता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप पूरे महीने जमीन पर टिके रहे, महत्वपूर्ण निर्णयों में जल्दबाजी न दिखाएं, क्योंकि आप यदि ऐसा करते हैं तो इस महीने आपके वित्त में भी सकारात्मक बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। आपको बोनस या आय में वृद्धि जैसे अप्रत्याशित वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे। यह आपको किसी ऐसी चीज में निवेश करने का अवसर भी प्रदान कर सकता है जो लंबी अवधि में आपको लाभ देगा, जैसे संपत्ति या स्टॉक मार्केट।
मकर राशि वालों, यदि आप भी सट्टे शेयर बाजार के क्षेत्र में दिलचस्पी लेते हैं तो विवेक व समझदारी से कार्य करेंगे तो आपको लाभ मिलने की संभावनाएं 100% बन जाएगी। दोस्तों, विदेश भाव के स्वामी गुरु जब भी तृतीय भाव में होते हैं तो वह साझेदारी में व्यापार करने वालों को धन लाभ देते हैं, साझेदारी से व्यापार शुरू करने का वक्त देते हैं, अवसर देते हैं और यही स्थिति आपको नौकरी के अलावा कुछ नए कार्यों की ओर भी ले जाएगी और वहां पर आप लाभ में रहेंगे। यदि आप कार्यों का विस्तार करना चाहते हैं और धन की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं तो दिए गए लोन के आवेदन मंजूर होंगे। कोई खास व्यक्ति से आपको धन मिलेगा तो इस वक्त आपकी घरेलू या विदेशी यात्रा के भी पूर्ण रूप से योग बन गए हैं। इसके साथ साथ विदेश संबंधित आपकी कोई बड़ी डील होगी। 22 अप्रैल के बाद भारत में भी आपकी कोई बड़ी डील या फिर बड़ा सौदा हो सकता है। हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, मानसिक चिंताएं परेशान कर रही है, माता पिता का स्वास्थ्य के कारण आर्थिक समस्या बढ़ रही है, तो अप्रैल में अचानक से स्थिति बदलेगी। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, एरोनॉटिक, आर्किटेक्ट से संबंधित विद्यार्थी है, उनकी भी किस्मत पूर्ण रूप से बदलेगी। आपका कोई पुराना विवाद परिवार को लेकर चल रहा है तो उसकी भी सुलह होने की पूर्ण संभावना बन रही है। सबसे बड़ी खुशखबरी आपको 11 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में मिलेगी, क्योंकि इस वक्त आप नए स्थान व नए लोगों का संपर्क प्राप्त करेंगे, उसमें जबरदस्त लाभ मिलेगा। दोस्तों, जहां एक ओर धन, कार्य, नौकरी, व्यवसाय में आप व्यस्त रहेंगे तो दूसरी ओर प्यार और रोमांस संबंधित मामले आपको खुशी देंगे, क्योंकि अप्रैल में बन रहा प्रेम युग पूर्ण रूप से प्रेम और देह सुख से वंचित नहीं रखेगा। नए रिश्ते बनेंगे, फिर से आप पुराने जीवन में लौट आएंगे और उसके साथ साथ आपका प्रेम विवाह में भी तब्दील हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको कुंडली मिलान किए बगैर आगे न बढ़ने की हमारी सलाह है। दोस्तों, अप्रैल में अच्छी स्थिति होने के बावजूद अप्रैल में अपनी सोच में बहुत कठोर या अपने और दूसरों के प्रति बहुत अधिक आलोचनात्मक बनने से सावधान रहे, क्योंकि नुकसान आपका ही होगा। मकर राशि वालों, मैंने पहले भी कहा है कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, कई दुर्योग भी है जो किसी व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। कुल मिलाकर अप्रैल 2023 एक ऐसा महीना है जहां आप अपने लक्ष्यों की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप नई परियोजनाओं की बुनियाद रखेंगे, लंबित पड़े हुए कार्यों का सफलतापूर्वक निपटारा करेंगे और जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आप देख रहे थे मकर राशिफल अप्रैल 2023। जय गुरुदत्त, जय गिन्नारी।